खास खबर। मलमल जनोली गांव में दहेज हत्या का मामला सामने आया है। मृतकों के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक महिला की हत्या दहेज के लालच में गला दबाकर की गई। मृतका के गले पर चोट के निशान भी है। सूचना मिलते ही मृतका के परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पुलिस आगामी कार्रवाई की बात कर रही है। पुलिस ने मृतकों के भाई की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी दुली चंद ने बताया कि मथुरा महाराणा निवासी धर्मेंद्र ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने अपनी बहन सुरजेश की शादी 10 मार्च 2015 को पलवल के जनोली गांव निवासी भूपेंद्र के साथ की थी। पीड़ित ने अपनी बहन की शादी में हैसियत के मुताबिक दहेज दिया, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग उससे संतुष्ट नहीं हुए। वो अक्सर सुरजेश को ज्यादा दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते रहते थे, जिसके बारे में सुरजेश ने कई बार अपने मायके में बताया। रिश्ता बना रहे इसके लिए कई बार सुरजेश और उसके ससुराल पक्ष के लोगों को समझाया भी गया। उसके बाद भी सुरजेश को ससुराल पक्ष के लोग प्रताड़ित करते रहे। दहेज लाने में असमर्थता जताने पर सुरजेश की उसके पति भूपेंद्र, ससुर चंदर, देवर अनिल, सुनील और ननद ने 25 दिसंबर की रात को गला घोटकर हत्या कर दी। आखिर कब तक दहेज की बलि चढ़ेगी विवाहिता? कब इस पर कड़े कानून लगेंगे? कब दहेज पर रोक लगेगा? तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।